राजस्थान के अजमेर से बड़ी खबर, 40 लाख के दलाल रिश्वतखोर एसीबी की गिरफ्त में, भेजा जेल। पुश्तैनी भूमि को समतीकरण करने की एवज में मांगी थी 40 लाख की रिश्वत। एसीबी के अजमेर में हुई कार्यवाही के बाद पार्षद पति रंजन शर्मा को, दो दलाल किशन खंडेलवाल और देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। वहीं रंजन शर्मा एसीबी की खबर सुनते ही फरार हो गया। आज एसीबी कोर्ट में दोनों दलालों को पेश किया गया। न्यायिक अधिकारी ने 22 जुलाई तक भेजा न्यायिक अभिरक्षा में। पार्षद पति रंजन शर्मा की जा रही है तलाश। नवभारत समाचार अजमेर राजस्थान से कैलाश व्यास की रिपोर्ट। सर क्या रहा आज पेशी के अंदर जो कल मामले रहा? भैया भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर द्वारा जो दो दलालों को कल गिरफ्तार किया गया था, देवेंद्र सिंह और किशन खंडेलवाल को, आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा उनको 22/7 तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाने के आदेश प्राप्त हुए हैं। क्या था ये पूरा? इसमें परिवादी की जो पुश्तैनी भूमि थी, उस पुश्तैनी भूमि पे परिवादी समतलीकरण का काम करवा रहा था। उसी दौरान जो पार्षद पति है, उस पार्षद पति ने उसको डरा धमका कर उसका काम रुकवा दिया, और अन्य भी जैसे उसको जो नालियों के फेरो कवर है उसको तोड़ने की इस तरह की शिकायतें करके और उससे पैसों की डिमांड की गई थी। इससे पहले 10 प्लॉट की भी डिमांड की गई थी। जब उसने मना कर दिया तो एट लास्ट उसने 15/6 को काम रोकना पड़ा। इसके बाद पार्षद पति ने अपने दो दलाल के मार्फत इससे कंटिन्यू इसके ऊपर 50 लाख रुपए की डिमांड और उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। 29/6 को भी इनके दलालों का परिवादी के पास फ़ोन आया कि आप मिल लो और हम आपकी जो पार्षद कोटे से और अन्य तरीके से जो मदद होगी हम आपकी करवा देंगे, वहाँ नाली भी बनवा देंगे, सड़क भी बनवा देंगे और इस तरह की इसको सुविधा देने का प्रलोभन दिया गया था। एट लास्ट में 1 जुलाई को परिवादी ने ब्यूरो में रिपोर्ट दर्ज करवाई, और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में जो पार्षद पति है उसने स्पष्ट परिवादी को कहा था कि किशन खंडेलवाल और देवेंद्र सिंह जो आपको जो रिश्वत की राशि तय कर लेंगे वो मुझे मंजूर है और वो आपको भी मंजूर होगी। इसके बाद में 3 तारीख को देवेंद्र किशन खंडेलवाल की परिवादी के साथ वार्ता होती है। वार्ता में 50 लाख की डिमांड करते हैं ये दोनों ही। उसके बाद में परिवादी 40 लाख तक के लिए हाँ भरता है, और फर्स्ट किस्त इनको इंस्टॉलमेंट में 5 लाख रुपये सोमवार को देना तय होता है। सोमवार को कार्रवाई हो नहीं सकी। इसके बाद में बुधवार को दलाल किशन का इसके पास, परिवादी के पास फ़ोन आता है, पैसे लेके GCA चौराहे पे उसको बुलाते हैं। वहाँ पर दलाल देवेंद्र सिंह और किशन खंडेलवाल को 2 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रेड हैंडेड पकड़ा था, और आज उनको माननीय न्यायालय में पेश करके न्यायिक अभिरक्षा में भी भेजा। अभी FIR में जो तथ्य है उनके आधार पर रंजन शर्मा पार्षद पति और इसकी जो पत्नी।